फैमिली, वेलकम टू मेडीजी यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं टॉपर स्टॉक वीडियो सीरीज में मिस्टर शाश्वत श्रीवास्तव से। इनका AIR 4 है इन UPPSC AE एग्जाम। सो शाश्वत, वेलकम टू मेडीजी टॉपर स्टॉक थैंक यू मैम। एंड हार्टी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू। सो शाश्वत को इरिगेशन डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है और यहाँ इन्होंने मेडीजी में SSC की टेस्ट सीरीज प्लस UPPSC AE की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट रहे हैं। ये NIT इलाहाबाद से पास आउट है इन सिविल इंजीनियरिंग एंड ही इज पास आउट इन 2019 और हाल ही में गेट 2021 में इनका रैंक 13 है। सो शाश्वत, आप थोड़ा सा बताइए, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी थी, कैसे आप चीजों को मैनेज करते थे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में? आप मतलब व्हाट डू यू थिंक कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कितना रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट के प्रिपरेशन में? यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट से कि मतलब एक्चुअली जो प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपका, जो मेनली रिवीजन और टेस्ट सीरीज का ही होता है। तो टेस्ट सीरीज मेनली आपका जो प्रैक्टिस, आप जहाँ से करोगे क्वेश्चंस, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो चाहिए मेनली टेस्ट सीरीज के हेल्प आपको लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो सबसे पहले तो मतलब ये रहा था मेरा स्ट्रेटेजी कि मेनली पहले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले इनडेप्थ पहले कवर करना, फिर उनको मतलब उसके लेवल पे जो क्वेश्चंस हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हर एग्जाम में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके हेल्प से हमें मतलब एनालिसिस मिल जाता है कि पेपर कैसा मतलब हमें मिलेगा या कैसा आ सकता है आगे फ्यूचर में। तो वो सबसे बड़ा सोर्स होता है कि एक क्वेश्चंस का कि प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए आपके। दूसरा होता है कि आपको जैसे एनालिसिस करना होगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल किस लेवल पे अभी आप तैयारी कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज का हेल्प लेना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज में आपको जैसे मतलब मैंने तो UPPSC AE और SSC JEE के लिए मैंने ज्वाइन किया था, तो उससे मतलब मुझे हेल्प ये मिला कि मुझे जो क्वेश्चन वैरायटी थी, मुझे मतलब पता चला कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे बड़ा मतलब ये पॉइंट था, और दूसरा था कि मतलब मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मुझे क्वेश्चन से मिलता रहा। जैसे काफ़ी क्वेश्चंस जैसे मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, मतलब हर साल मतलब आपके पेपर में रहते हैं कि जो सिलेबस से थोड़ा सा मतलब हटके भी रहते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो वो हमें मतलब टेस्ट सीरीज से आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस मतलब वो आते हैं। तो मतलब एग्जाम के पहले एक्चुअली कैसा पेपर आता है, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, तो वो बहुत पता चल जाता है आपको अगर आप टेस्ट सीरीज सीरियसली देते हैं तो उसका आइडिया लग जाता है। प्लस जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे कंसेप्ट होते ही हैं कि कभी छूट जाते हैं या उतने अच्छे से हम उनको ग्रास्प नहीं कर पाते जब तक उसका एप्लीकेशन ना कर लें, तो वो अगर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आता है आपके सामने तो अगेन यू कुड यू हैव द चांस टू गो बैक टू द कंसेप्ट एंड रिवाइज दैट अगेन। यस मैम, और मैं कहूंगा कि मतलब टेस्ट सीरीज को मतलब हमें मतलब एज अ मतलब सिर्फ टेस्ट से नहीं देखना होगा उसको, मतलब हमें एनालिसिस भी उसका करना जरूरी है। मतलब हमें जो क्वेश्चंस जैसे हम लोग मिस कर देते हैं या फिर टेस्ट सीरीज में हमसे जो गलत होते हैं क्वेश्चंस, उनके ऊपर वर्क करना ज्यादा जरूरी है हमें, ना कि मतलब जो आपने मतलब पढ़ा है। अगर आप वो क्वेश्चन सही करो तो वो आपका वो है मतलब प्लस पॉइंट है, आते हैं आपको। लेकिन हाँ, लेकिन आप जो क्वेश्चंस गलत करो उससे आपको सीखना होगा थोड़ा, मतलब जो आपने गलतियां की हैं उससे आपको मतलब थोड़ा सीखना होगा कि आपने कहाँ पे गलती की है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी आपकी या फिर कैलकुलेशन एरर थी, या आपने मतलब बहुत सिली मिस्टेक्स कुछ किए कैलकुलेशन में या कुछ भी, तो वो आपको पता चलता है टेस्ट सीरीज से। तो वो मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज वही होता है टेस्ट सीरीज से, मतलब आदमी मतलब पूरी तरह से मतलब अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है। तो शाश्वत, ये तो मतलब आपसे ये चीज सीखने को मिली कि टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज के मिस्टेक्स का रेक्टिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर प्रिपरेशन। तो इसके बाद जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जैसे आप बता रहे थे कि एग्जाम का ट्रेंड कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, ये टेस्ट सीरीज से आइडिया लगता है, तो आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस किए थे इसके? यस मैम, मैंने मतलब पहले तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि पहले हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको पहले फोकस करना चाहिए कि मतलब जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में उससे मतलब हमें हेल्प मिलेगा कि
आगे की जैसे उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, हमें एक मतलब एक सैंपल जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है, तो वो हमें टॉपिक्स एक तो पता चलता है कि हमें किस पे फोकस करना है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हेल्प मिलता है। बाकी आपका जैसे टेस्ट सीरीज में जैसे न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं उससे आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है कि आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, जिसको मतलब थोड़ा कम टाइम देना है। मतलब प्रिपरेशन तो आपको मैम कोर्स तो सभी का वो कवर करना होगा, क्योंकि सिलेबस तो थोड़ा मतलब इसमें बहुत डीप में पूछते हैं क्वेश्चंस हर एग्जाम में, जैसे आपका यूपीपीएससी गेट ईएससी जितने भी एग्जाम्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, तो उसमें सारे मतलब बहुत डीप में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वो आपको मेनली सबसे पहले फोकस करना होगा कि पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहना चाहिए हर टॉपिक में जो आपने पढ़ा है, फिर उसको मतलब टेस्ट सीरीज और ये प्रीवियस क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल सकता है। दूसरा आपको कि मतलब कैसे आप एक प्रिपेयर कर रोड सकते मैप हैं। तैयार हो जाता है कि यस ये मैम। पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है इसका वेटेज ज्यादा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो यस दिस इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरिया, तो हम यस उन चीजों को अगर हम एनालाइज कर लें किस एरिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए। यस अच्छा, मैम। तो शाश्वत, जैसे हमारे बहुत सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, अभी जब भी नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगी तब, यस मैम। तो उनको आप क्या ऐसी टिप्स दे सकते हैं या ऐसी क्या स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं आपकी खुद का यस मैम। एक्सपीरियंस के बेस पे कि कैसे यस तैयारी मैम। करनी चाहिए, कैसे चीजों को बैलेंस करना चाहिए फॉर 6 to 7 months, 8 months टाइम पीरियड पे, टेस्ट सीरीज का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, तो वो सब आप थोड़ा सा शेयर करिए ताकि उनको बहुत बेनिफिट हो पाए। यस मैम। मैं आगे के फ्यूचर एस्पिरेंट से ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उनको अपना सिलेबस पहले अपने सिलेबस पे पहले कमांड करना जरूरी है, क्योंकि जो भी आपका सिलेबस है अगर वो आप कहीं से भी आप कोई मिस कर रहे हो टॉपिक, तो वो आपके लिए बाद में सेटबैक बन सकता है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे हर टॉपिक से अगर वो पूछते हैं, वेटेज तो हर टॉपिक का रहता है, तो वो कोई भी टॉपिक आप ऐसे लीव नहीं कर सकते किसी भी तरह से। थोड़ा मतलब टाइम वेटेज कैसे देना है उसको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, बाकी तो मतलब टॉपिक तो सारे आपको कवर करने ही पड़ते हैं अल्टीमेटली। आपको मतलब एग्जाम क्रैक करना है तो मतलब आप कोई ऐसी चीज मिस नहीं कर सकते हो कि मतलब जो जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप ऐसे प्रिज्यूम नहीं कर सकते पहले से। और दूसरा कि मतलब आप जैसे भी तैयारी करो, जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोर्स कर रहे हो, मेन जैसे आप क्लासेस करोगे या खुद से आप सेल्फ स्टडी भी करो, तो सबसे पहले मतलब आप पहले सिलेबस देखो और उसको मतलब आप पहले एनालाइज कर लो कि मतलब मुझे क्या क्या टॉपिक्स इसमें ज्यादा रिलेवेंस के हैं जो मुझे पहले कवर करने चाहिए। मतलब प्रायोरिटी सेट कर लो पहले आप कि बेसिक जैसे सब्जेक्ट्स आपके सिविल में ऐसे होते हैं कि सोम है, एफएम है, और आपके आरसीसी, स्टील, फ्लूइड, ये सब बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको पहले कवर करना जरूरी है। फिर बाद में आप धीरे धीरे जैसे आपका टॉपिक्स होता जाए तो फिर थोड़ा मतलब एक साइड टॉपिक आप उठा सकते हो, जैसे रेलवे हो गया, ये सब हो गया। तो आपको मतलब अपने मतलब प्रिपरेशन में ये सब सब्जेक्ट्स को थोड़ा प्रायोरिटाइज करके चलना पड़ेगा कि पहले आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे और कॉम्बिनेशन कैसा रखना है, वो आपको थोड़ा अपने कंफर्ट लेवल पे देखना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि मतलब जब आप तैयारी करो, जैसे नोट्स आपने प्रिपेयर किए होंगे पहले से, तो उसको आप मतलब रिवाइज करते रहना बराबर, क्योंकि नोट्स से जैसे हम लोग का टच जैसे कोई भी सब्जेक्ट से छूटता है तो फिर वो चीजें याद नहीं रहती आगे, और हमें एग्जाम तक मतलब उसको रिटेन करना जरूरी है। मतलब कॉन्सेप्ट्स तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन एग्जाम तक हमें जैसे मतलब उसको नेक्स्ट फ्रूटफुल सिक्स रखना है। मंथ्स एटलीस्ट आपको वो चीज यस रिटेन मैम। करना बहुत और जरूरी वो है, सिक्स टू टच सेवन बना मंथ्स रहना चाहिए हर सब्जेक्ट से जो आपने पढ़ा है, उससे टच आपको बना रहना चाहिए, मेन मतलब वही फोकस रहता है। तो रिवीजन ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, प्लस आपको जैसे आपने सब्जेक्ट जैसे जैसे आपने कवर किया तो उसके टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो साथ में। और टेस्ट सीरीज मतलब आप ऐसे दो, पहले सब्जेक्ट वाइज आप स्टार्ट करना, फिर मतलब वन बाय वन, तो उसके बाद फिर मिक्स सब्जेक्ट और फिर फाइनली फुल लेंथ टेस्ट पे आप जाना। तो धीरे धीरे आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा इसमें। और मेनली मतलब जहाँ पे
मतलब एग्जाम से 2-3 मंथ्स पहले लोग मतलब थोड़ा सा ये इसका प्रॉब्लम रहता है कि जैसे रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी का टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो टेस्ट पे मतलब नंबर, मतलब मैं तो कहूंगा कि नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है टेस्ट में आपका, क्योंकि ये आपको सिर्फ एज अ मतलब गाइड है, आपको सिर्फ मिरर है आपके लिए, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि आपकी गलती कहाँ है और उसको आपको कहाँ पे वर्क करना है, इम्प्रूव मेन करना वो है। आपके लिए जरूरी है। और नंबर तो सभी के लगभग एवरेज ही रहेंगे, इसमें कोई हाई और लो कोई किसी का नहीं रहेगा। टॉपर भी होगा तो वो उसने बहुत पहले से प्रैक्टिस किया होगा तो उसके नंबर अच्छे आ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी एवरेज है या लो है इसमें, वो आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करा है कि आपने कैसे प्रिपेयर किया है उस पे डिपेंड करेगा। और थोड़ा सा मतलब अपने आप को फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे कई सारे मतलब टॉपिक्स ऐसे हैं, मतलब हम लोग कभी कभी करते हैं कि कोई टॉपिक बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, इंटरेस्टिंग लगता है, तो हम लोग ज्यादा टाइम उस पर हम लोग फोकस करने लगते हैं, तो वो वहां पे थोड़ा सा हमें ये अलार्म हम लोग के दिमाग में लगना चाहिए कि हम लोग को बहुत ज्यादा डीप में नहीं, अभी सब्जेक्ट्स को ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, क्योंकि जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको पता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चन आया आपको पता चल जाएगा, और जो आपको जैसे नहीं जैसे क्लियर है टॉपिक या जो आप चीज छोड़े होगे तो उसको मतलब थोड़ा सा आप बीच बीच में देखते रहना, क्योंकि वो मतलब वहां पे आपको थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, थोड़ा मतलब वो ये चीज ध्यान रखना होगा। और यही है मैम प्रिपरेशन में, और कुछ अलग से मैं नहीं जोड़ूंगा इसमें, मतलब ये सब बेसिक वो होते हैं, डाउट्स होते हैं उन, इसके ऊपर मैंने बताया मतलब आपको आपको अगर इसमें। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शाश्वत की जाननी है तो वो सिर्फ इतना है कि आप अपने सब्जेक्ट वेटेज के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। सबसे पहले यस मैम जितना सब्जेक्ट टाइम डिमांड करता है सिर्फ उतना देना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, सो यू स्टार्ट गिविंग इट मोर टाइम तो बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो जैसा वेटेज है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम शेड्यूल को डिवाइड करना चाहिए। और अंदाजा आपको लग जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या टेस्ट सीरीज से कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के डेप्थ ऑफ नॉलेज का वो डिमांड कर रहा है। तब उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को शेड्यूल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाए। क्योंकि ऐसा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता जनरली एग्जाम में जो पूछा ना जाए और सिलेबस में मेंशन्ड हो, तो कवर तो आपको सब कुछ करना है, टाइम उतना ही है, तो उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन आपके हाथ में है कि आप कैसे कर सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज को रेगुलरली देना चाहिए सो दैट आपको आपकी गलतियां पता चलती जाएं और उनका रेक्टिफिकेशन देन एंड देयर हो पाए। सो शाश्वत, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत सारी आपकी स्ट्रैटेजी, आपका एक्सपीरियंस हमने जाना, जो कि मैं जानती हूँ कि हमारे एस्पिरेंट्स को यूजफुल रहेगा। वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो श्योरली उनको भी सक्सेस मिल पाएगी। सो थैंक यू शाश्वत फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू थैंक यू शाश्वत, बाय बाय, गुड लक। या गुड मॉर्निंग ओके।